100 ml. दूध डाल देंगे और इसे हिलाकर अच्छे से इसे पकने देंगे। थोड़ा सा ठंडा दूध ले लिया है, अब हम इसमें 2 चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास वनीला कस्टर्ड पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं और साथ में वनीला एसेंस डालकर मिला। तो मैंने एवरी डे का मिल्क पाउडर लिया है, ये 20 ग्राम है। अब हम इसमें ये भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध में अच्छा उबाल आया है, हम इसमें कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर ऐड करेंगे। चीनी लास्ट में डालनी है ताकि सेवैयां अच्छे से पक जाएं। ये थोड़ा थिक हो गया है, अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये मैं 50 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। चीनी हम लास्ट में इसीलिए डालते हैं क्योंकि एक तो सेवैयाँ अच्छे से पक जाती हैं तो उसके बाद ही हम डालते हैं, और एक तो क्वांटिटी का पता चल जाता है कि इसमें कितनी चीनी जाएगी। अब इसे हम थोड़ा सा और पकाएंगे। अभी हमारा कस्टर्ड मिक्सचर रेडी है, तो हम गैस को बंद करके इसे थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर हम इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखेंगे। अभी ये एकदम ठंडा हो गया है, अब हम सर्व करने के लिए इसे गिलास में निकाल देंगे। सबसे पहले अब हम इसमें सब्जा डाल देंगे। डाल देंगे, फ्रूट सब अपनी मर्जी से कोई भी डाल सकते हैं। ये मैंने ग्रेप्स डाल दिए, थोड़े से मैंगो डाल देंगे, थोड़ा सा अनार डाल देंगे, इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, थोड़े से बादाम, जेली। अब हमारा सेवैयां फ्रूट कस्टर्ड बनकर एकदम रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।